योगी सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही योगी सरकार। कायदे के अनुसार देखे जा तो यो आना भी नहीं चाहिए, आपके यो आना भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं कर रही जी, कुछ नहीं कर रही है। हाँ, देश में मुख्यमंत्री कैसा काम, क्या पता क्या कर रहा है जो हमारे हुआ का नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, जब वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, लेडीज भी, लड़की भी, आदमी भी, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। देख लीजिए कि बारिश हो गई और बारिश के बाद ये जो खड्डा अभी हमें दिखाई दे रहा था वो दिखाई दे रहा था। मेरी बेटी ने MBA BA BEd कर रखी है, लेकिन कहीं तक भी नौकरी नहीं है। हमारे बच्चे डेली गिर जाते हैं, कोई बाइक वाली गिर जाती है, कोई जेंट्स डेली का काम है, कोई गाड़ी वाला। हमारी सुनवाई करे तभी होगी कि मोदी का गुनगाएंगे, हम तो उनकी जगह ना गानेंगे। हम मोदी को कह रहे हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पब्लिक कितने गुस्से में है, बारिश भी शुरू हो गई, सड़कें भर जाती हैं, घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है और ये खड्डे अपने आप में इतने गहरे हैं और ये खड्डे नहीं दिखाई देते हैं, कितना नुकसान है, कितना खतरनाक है। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। फिलहाल हम आपको सड़कों का हाल दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश की उत्तम सड़कें, ये सड़क का गड्ढा आप देख सकते हैं और इसी के साथ साथ आगे आइए और भी ज़्यादा आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से पानी भरा हुआ है, दो गाड़ियाँ एक साथ नहीं निकल सकती और जब ये रोड भर जाती है तो कैसे लोग इस खड्डों में गिर जाते हैं, यहाँ के लोगों से पूछेंगे। पहले आप खड्डे देख लीजिए, इस खड्डे को देखिए और ये दावा किया जाता है, जब सरकारें दावा करती हैं कि काम बहुत हुआ है, लोग भी दावा करते हैं कि काम बहुत हुआ है, तो क्या काम हुआ है वो ज़मीनी स्तर से पता चलता है। आपको मैं दिखा रही हूँ कि कैसा हाल है, यहाँ पे बात करते हैं, लोग बहुत सारे हैं और सबसे जानते हैं कि ये सड़क कब से ऐसे पड़ी हुई है, कब से पड़ी है भैया? कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो गए। 6 महीने से ज़्यादा? हाँ, 6 महीने से ज़्यादा हो गए। यहाँ पे लोग गिरते हैं और क्या, यहाँ गिर गए, इसमें गिर गए, लेडीज स्कूटी चलाती है ना बेचारी, तो वे गिरती हैं इसमें। हाँ, पानी भर जाता है, तो भर जाता है जब, हाँ तो इतना इतना पानी हो जाता है, इतना इतना पानी हो जाता है यहाँ से रोड पर, सारे रोड पे, समझे जी। योगी सरकार कैसा, योगी सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही योगी सरकार। कायदे के अनुसार देखे जा तो यो आना भी नहीं चाहिए, आपके यो आना भी नहीं चाहिए। क्या हो गया? हाँ, ये क्या करके दिखा रहा, कुछ नहीं करके दिखा रहा ये, गरीबों की मजदूरी खत्म कर दी है। गरीबों की जो मजदूरी थी वे भी ठप हो गई है, बताओ क्या करेगा, क्या खुआओगा गरीब आदमी, हैं? 100 रुपए लीटर कर दिया, बताओ, 1000 रुपए का कर दिया, बताओ। रामराज आ गया, हिंदू राष्ट्र बन गया और हमारा मंदिर बन गया, 370 हट गया, रोजगार बट रहा है, क्या बट रहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं बट रहा, हाँ कुछ नहीं, योगी कुछ नहीं कर रहा। हाँ, असली पूछे, ये सरकार आने भी नहीं चाहिए आपके, आपके आने भी नहीं चाहिए सरकार। हाँ, अखिलेश सरकार आएगी, कौन आएगा, कौन आएगा आपकी? राहुल आना चाहिए, राहुल गांधी। हाँ हाँ, बढ़िया करता है। क्या नाम हुआ दादा? मेरा मेरा नाम जगदीश है। हाँ, तो बता दिया जगदीश ने आपकी आनी नहीं चाहिए, बहुत गुस्सा नजर आ रहे, काहे गुस्सा आ रहे भैया? इनको पता है वो सही गुस्सा रहे हैं, जब इन सड़क का हाल में और अंदर जाके गलियां देखो, सारी गलियां पानी से भरी हुई है, बच्चे छोटे स्कूल जाते हैं, परेशान होते हैं, कोई कहीं नहीं जा पा रहा है, और अभी बारिश के 2 दिन यहाँ करो, बारिश आ रही है, अभी देखना क्या नतीजा होता है यहाँ पे। फिर सरकार कैसा काम कर रही है? हम सरकार के लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन हम तो ये बता रहे हैं कि यहाँ प्रधानी है, यहाँ कोई चेयरमैन ही नहीं है, ये एरिया प्रधानी प्रधान है सतीश प्रधान। कौन सी पार्टी से? ये मुझे समाजवादी पार्टी से ही है ये कोई। तो आंटी क्या लग रहा है, ये सड़कें खुद ही पड़ी हैं, बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? गिर गिर के जा रहे हैं बच्चे, बेटा बच्चे भी जा रहे हैं, लेडीज गिरती हैं, आदमी गिरते हैं, इसमें बहुत बुरा हाल कर रखा है, रोज कोई ना कोई 2-3 रोज गिरते हैं इसमें बेटा। हाँ जी, तो ये क्या कहते हैं, ये 6 महीने से पड़ी, तो आपने कंप्लेन ना करी? किसकी करे कंप्लेन, सतीश को बोला, सतीश कहता हम कर देंगे, करवा देंगे हम, कोई नहीं करता यहाँ पे। हाँ, तो आप देख सकते हैं बारिश भी आ गई है, मगर प्रोग्राम कर लेते हैं कि आप देखो दिखा देते हैं, खड़े रहो आप 1 घंटे खड़े हो, कितना बुरा हाल हो जाएगा यहाँ, कल निकलने बच्चे आदमी सब गिरेंगे। हाँ जी, चोट लग जाती है, चोट लग जाती है इस गड्ढे में, कई बार बच्चे गिर गए, इसमें ये आदमी गिर गए, बताओ। योगी सरकार कैसा काम कर रही है आप? कुछ भी नहीं कर रही जी, कुछ नहीं कर रही है। हाँ, देश में मुख्यमंत्री कैसा काम, क्या पता क्या कर रहा है जो हमारे हुआ का नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, जब वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, लेडीज भी, लड़की भी, आदमी भी, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ जी, सिलेंडर विलेंडर पे महंगाई पे बात, बहुत महंगाई हो रही है,
1900 में जा रहा है। गरीब आदमी क्या खाएंगे बताओ, बच्चों को पेट पालेंगे, सिलेंडर लेंगे, चूल्हा फूकेंगे, क्या करेंगे ये बताइए आप। आंटी बोलेंगे बोलो बताओ लोग के चक्कर में ना अपनी परेशानी। बेटा मैं तो सुबह चली जाऊँ, शाम को आती हूँ, ये आंटी देखती है सुबह जब जाती तो उड़ के जाती है। नहीं उड़ के जाती है सड़क से, परेशानी तो सबसे ज्यादा आए हैं। बता क्यों नहीं, वो पहले कहीं नहीं जाते, ना कोई आता ना कोई जाता। हम किसी को, हम योगी को क्यों कहें, हम तो अपने गाँव के प्रधान को कहेंगे ना, जिसने बोर्ड लिए, जो बोर्ड लेने आते हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ भी, उन्हें करना चाहिए ना। हम योगी तो बहुत दूर है, पर अपना गांव का प्रधान तो गांव में ही है। विधायक काम कर रहा अतुल गर्ग, कोई नहीं कर रहा बेटे यहाँ तो, अब कोई नहीं कर रहा यहाँ। गाजियाबाद से आपको बता दूं कि बीजेपी के विधायक हैं अतुल गर्ग। अब यहाँ तो हमारे यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, कोई काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ। आप खड्डा देख सकते हैं हमारे क्या हालत है, हमारे बच्चे, आप हमारा ये खड्डा देखिए अमित, ये आपको गड्ढा दिखाई दे रहा होगा, रोज यहाँ लेडीज हमारे बच्चे गिर रहे हैं। हमारे लिए कोई सुनाई ना, योगी सुन रहा ना प्रधान, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमारे बच्चे डेली गिर जाते हैं, कोई बाइक वाली गिर जाती है, कोई डेली का काम है, कोई गाड़ी वाला, हमारी सुनवाई करे तभी योगी के और मोदी का गुण गाएंगे, हम तो उनकी जगह ना गानेंगे। हम मोदी को कह रहे हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, देखो हमारे देख सकते हो क्या हमारा रास्ते का हालत हो रही है। गड्ढा बंद करा सकते हैं ना, ये इतना काम तो गवर्नमेंट करा सकती, प्रधान भी करा सकते हैं, लेकिन आप ये देख लो खुद अपनी आंखों से, देखो क्या हालत है, ये देखो आप, इसे दिखाओ जो दिख रहा है मुझे, मत देखो इसे देखो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं आसपास, अगर ये बच्चे इसमें गिर जाएंगे तो नहीं पता चलेगा। तो सरकार तो कह रही बहुत अच्छा काम किया, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, हमारे यहाँ कोई भी हमारे लिए कुछ नहीं है। गरीब आदमी सुनता कौन है, सिलेंडर भरेगा या खाएगा या अपना रोड बनाएगा, आप देख रहे हो हमारे घर के सामने क्या हो रहा है। देख सकते हैं प्रोग्राम के बीच बकरियां भी आ गई हैं, और यहाँ पे क्या हाल है, लोग कितने परेशान हैं, सड़कें 6 महीने से खुदी पड़ी हुई हैं और कोई सुध लेने वाला नहीं है, ना विधायक है ना प्रधान है। दिखाना न्यूज में टीवी में, अगर नहीं कि इसे दबा दो, कभी हमारी आवाज को दबा दो, हमेशा भरा रहता है यहाँ पे पानी, खड्डा भी है, ये गटर अभी तो चालू नहीं हुए, 10-10 फुट कॉलेज के बच्चे गिरते हैं, खतरा ये तो बहुत खतरा, ऐसे कोई नहीं सुनाई दे रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा ना योगी ना मोदी जी। क्या आगे हमारी ये खड्डे खुदे पड़े हुए हैं, बनवा क्यों नहीं रही, कंप्लेन क्यों नहीं करते आप, किससे करें कंप्लेंट, यहाँ वोट मांगने आ जाते कुछ काम कराते हैं यहाँ तो बस, ना गरीब आदमियों को राशन है ना गरीब आदमियों को कुछ है, सब राशन वाले खुद खा रहे हैं, राशन फ्री बट रहा नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता, हमारे यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पे प्रधान सतीश राशन फ्री करते हैं इस गली का, राशन फ्री में नहीं मिलता यहाँ, किसी सिलेंडर मुफ्त में बट रहा नहीं मिलता, रोजगार इतना, किसी सड़के चकाचक पड़ी है, किसी को नहीं मिल रहा कुछ भी, जहाँ कहता हूँ वहाँ चले, सड़कें नहीं चकाचक, नहीं नहीं कुछ नहीं मिल रहा यहाँ, ना राशन मिल रहा ना सड़कें बन रही, हमारे घरों में पानी घुस रहे हैं, रोज बच्चे गिर जाते हैं सीवर लाइन में, अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे, गरीब आदमी, अगर हमारे बच्चे मर गए तो हम क्या लेंगे। वैसे योगी और मोदी क्या कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे किसी को, ये बताओ रोज बाइक वाले, रोज अखिलेश सरकार में काम हुआ था, हाँ हुआ था, हाँ उन्होंने किया था, मायावती ने काम किया था, बाकी क्यों, कोई भी प्रधान ना कोई नेता कोई नहीं है, बस योगी काम नहीं कर रहे, नहीं कर रहा कुछ भी, नहीं हो रहा, अतुल कर काम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहे, यहाँ देखने नहीं आते, ना वोट मांगने आते तो वोट तो दे देते, तो आप लोग 300 सीटें ले आते, अब नहीं देंगे, हम देंगे नहीं जी, अब हम नहीं देंगे वोट भी, नहीं देंगे, नहीं किसी को नहीं देंगे, किसकी सरकार आएगी इस बार, राजू राहुल गांधी की, हाँ राहुल गांधी पसंद क्या, अखिलेश पसंद, नहीं राहुल गांधी पसंद है, हाँ वो अच्छा काम करते हैं, गरीब आदमियों के लिए बहुत अच्छे हैं, गरीब आदमी की नौकरी ना नौकरी कुछ भी नहीं है उनके लिए, क्या कुछ नहीं है हमारे बताओ, बच्चे MBBS करके पढ़े हुए, कुछ नौकरी नहीं कुछ नहीं है, क्या करेंगे, रोजगार बांट रही योगी सरकार, योगी से हमें तो कोई नौकरी किसी के लिए नहीं, मेरी बेटी ने MBA BA BEd कर रखी है, लेकिन कहीं तक भी नौकरी नहीं है, नहीं क्या लगता है भैया, छतरी भी आ गई, जरा माइक भीग रहा है, छतरी से बचा ले, क्या लगता है बताइए, बस हमें तो ये चाहिए कि हमें तो राहुल गांधी चाहिए बस, यहाँ और बाकी कोई ना कोई प्रधान है ना यहाँ कोई भी है, राहुल गांधी की दबाते हैं यहाँ, कोई सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुनता, नहीं हमारी कोई सुनाई नहीं है, ये बाल में निकल तो सबसे बेकार, सतीश प्रधान है वो नहीं सुनता, नहीं सुनता, नहीं सुनता जी, क्या लगता है भैया, छतरी लगाए ऐसे, इस छतरी से इसको बंद कर लेंगे, अच्छा अरे छाता ओढ़ लिया भाई, क्या लगता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्चे कितने छोटे छोटे हैं और कितना खतरा है, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, आपको मैंने शुरू कर दिया, इसमें गाड़ियां गिर जाती हैं, सड़क भर जाती है, तब ये गड्ढा नहीं दिखाई देता है, तो जहाँ कहा जाता है कि बड़े बड़े
फ्लाई ओवर बन गए, यमुना एक्सप्रेस वे हम बन गया और कितनी चीजें बन गई और गोरखपुर एक्सप्रेस वे बन गया, लेकिन ये सड़कें अभी ऐसी ही पड़ी हैं। आप जब गलियों में आते हैं तो सच्चाई पता चलती है कि असली हालात क्या हैं। बहुत ज्यादा तो ला भैया छतरी दे दो ताकि पता चले कि बारिश में कर रही थी। तो हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। ये गाजियाबाद का अंबेडकर नगर है, अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, देश रचा और अब देश का हाल देख लीजिए कि बारिश हो गई और बारिश के बाद ये जो खड्डा अभी हमें दिखाई दे रहा था वो दिखाई देना बंद हो गया है। जो आपको लाल दिखाई दे रहा है वो कोई झंडा नहीं, वो लोगों को बचाने के लिए लगाया गया है। और बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई गिर जाए तो क्या कितना खतरा होता है। ये गाजियाबाद का अंबेडकर नगर कॉलोनी है, 6 महीने से सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो संज्ञान दिलवाइए और सड़कों का हाल क्या है ये सरकार तक जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब वोट मांगना होता है तब ये घर घर आते हैं, उसके बाद नदारद हो जाते हैं। क्या लगता है आपको इस सरकार में कैसा काम हुआ, लोगों का कैसा कहना है, जो भी कहना है वो सही है या नहीं है, क्या आपका कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।